जियान आज बहुत खुश है। हे नोबिता, तुमने कहा था कोई जरूरी बात करनी है। क्या कर रहे हो, धीरे बोलो। देखो किसी को बताना मत, ठीक है। जियान, नोबिता तुमसे मिलने आया है। हाँ? मैं तो पहले ही जानता था। अरे क्या बात है। वो बात ही है कि वो दरअसल बात ये है नोबिता कि जियान दोस्त बनाना चाहता है। क्या? जियान अभी भी और दोस्त बनाना चाहता है। ठीक है, जियान वो कैसे करना चाहता है? दरअसल जियान एक लड़की को अपना दोस्त बनाना चाहता है। तो उसमें मुश्किल की क्या बात है, सीधा जाके दोस्ती कर ले। ये उतना आसान भी नहीं है नोबिता। हाँ, वो तो मुझे पहले से ही पता है। अगर उसने जियान की तरह बात की तो वो डरकर भाग जाएगी। अगर मैं लड़की होता और वो मुझसे दोस्ती के लिए पूछता तो सच बताओ मैं उसकी बात सुनते ही भाग जाता। मेरी बात को ध्यान से सुनो, कोई रास्ता निकालो और मेरी दोस्ती करवाओ। तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ते का वक्त है, मेरा बर्थडे आने तक, समझे? लेकिन हम कैसे करेंगे? मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही है। मजाक की बात नहीं है डोरेमोन, वैसे भी हम उसे कहाँ ढूंढेंगे, ना नाम पता है ना पहले से कभी देखा है, हम क्या करें? तुम्हारा मतलब क्या है? हम खेल रहे थे, सुनियो ने एक फोटो ली, ये देखो ये रही। इस फोटो को देखकर जियान ने फैसला कर लिया कि वो उस लड़की से दोस्ती करेगा। तो हमारे पास बस एक फोटो है ना? कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जो हिस्सा इस फोटो में नहीं है उसे देखते हैं। ऑल पर्पस प्रिंटर। सबसे पहले मैं फोटो को इसके अंदर डालता हूँ और फिर हम उस हिस्से पर ध्यान देते हैं जो हम देखना चाहते हैं, और जो चीजें हमें नहीं चाहिए वो हटा देता हूँ। अरे वो अपने डॉगी को वॉक करा रही है। क्या तुम चाहते हो मैं उस पार्क में टहलने जाऊं? लेकिन मैं तो ऐसा कभी नहीं करता हूँ। वैसे वो लड़की रोज अपने डॉगी को वॉक के लिए लेकर जाती है पार्क में, तो तुम्हारे पास मुकु है। क्या सच में? क्या आइडिया है नोबिता, बहुत बढ़िया। तुम मुकु की मदद से उस लड़की से दोस्ती कर सकते हो, अपने अपने डॉगी के बारे में बात करके दोस्ती शुरू हो जाएगी। मेरा आइडिया कमाल है ना? तुम मेरे सच्चे दोस्त हो नोबिता, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। मुकु चलो हम वॉक पर चलते हैं। अरे आज बारिश नहीं होगी, घबराओ मत, चलो। ये नोबिना, मुझे घबराहट हो रही है। हम दूर से नजर रखेंगे, ठीक है? नहीं ऐसे मत बोलो, मेरे साथ रहो, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। मुकु तुम कितना पानी पीते हो मेरे दोस्त। बस बहुत हो गया, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। देखो तो सही, मुकु कभी भी किसी की नहीं सुनता। वो बिल्कुल अपने मालिक पर गया है नोबिता। क्या तुमने कुछ कहा? कुछ भी तो नहीं। अरे क्या हुआ? वो तो कब की चली गई है। तुम इसके पीछे जाना चाहिए। तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है जियान। चलो भी जाओ जियान। अरे जियान जाओ, तुम रुक क्यों गए? जियान जाओ। तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं हो? लेकिन तुम ही तो उस लड़की से दोस्ती करना चाहते हो जियान। जियान तुम उससे बात करने में डरते क्यों हो? हाँ तुम हमारे सामने तो बहुत बहादुर बनते हो। मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे कभी नहीं हो पाएगा। डोरेमोन क्या तुम कुछ कर सकते हो? स्पीकर और माइक्रोफोन, इसकी मदद से हम में से कोई भी एक जियान की तरफ से बोल सकता है। सबसे पहले तो मैं इसे यहाँ लगा देता हूँ। और माइक में कौन बोलेगा? ये काम मुझ पर छोड़ दो दोस्तों, मुझे दोस्ती कराने का काम बहुत अच्छी तरह आता है। तुम्हें यकीन है?
तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो जियान। ठीक है, चलो उसका पार्क के गेट पर इंतजार करते हैं। पर मैं अभी तैयार नहीं हूँ, वो दरअसल मुझे बाथरूम जाना है। रुक जाओ। नोबिता, तुम्हें जियान की मदद करनी पड़ेगी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अरे नहीं, वो अजीब सा बच्चा फिर से। अरे सुनियो, कहाँ हो तुम? जल्दी करो, कुछ बोलो नोबिता। माइक टेस्टिंग, 1 2 3। ये तुम मुझे क्या बुलवा रहे हो? चलो चले बेंजी। अरे रुक जाओ। हाँ? अरे प्लीज सुनिए, मैं बस आपसे कहना चाहता था कि आपका डॉग मुझे बहुत क्यूट लगता है। तुम्हारा शुक्रिया। वाह, तुमने शुरुआत तो बहुत ही अच्छी की। तो तुम्हारे डॉग का नाम क्या है? इसका नाम बेंजी है। अच्छा है, मेरे डॉग का नाम मुकू। नहीं, मेरे डॉग का नाम भी बेंजी है। बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। अरे वाह, हम दोनों के डॉग्स का नाम एक ही है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है। तो क्यों ना ऐसा करें कि मेरा डॉग बड़ा है तो वो बड़ा बेंजी, और तुम्हारा डॉग छोटा है तो वो छोटा बेंजी। या फिर आज से हम इन्हें चिंटू मिंटू बुलाए। तुम ये मुझसे क्या बुलवा रहे हो? जल्दी करो, कुछ तो बोलो। मैं नहीं कर सकता, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। अच्छा तो गुड बाय। मेरे प्यारे बेंजी। सॉरी। हाँ दोस्तों, अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। लाओ मुझे दो, मैं जियान की दोस्ती कराऊँ। हाँ ठीक है ना। तुम्हें धरती पर आए हुए कितना वक्त हुआ है, क्योंकि तुम परी हो सच में, है ना? कितनी सुंदर वो भी। ये तुम क्या बोले जा रहे हो, तुम ठीक हो ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस अरे मुझे अपने साथ ले चलो ना प्लीज। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, भला कोई ऐसी बातें कैसे कर सकता है। अरे वो तो चली गई। हाँ, वो तो होना ही था। तुम सब ने मिलकर देखो ना ये क्या कर दिया। अब जाओ जाओ और उससे माफी मांग कर आओ, समझे? वो गई कहाँ? चलो अलग अलग होकर उसे ढूंढते हैं। हेलो। हाँ, तुम्हारा डॉगी बेंजी अब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। क्या तुम्हें इतनी फिक्र हुई कि तुम यहाँ तक मेरे पीछे आ गए? तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। हाँ, तुम सबका ध्यान रखते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओह मिनामी, क्या तुमने अभी से एक नया दोस्त बना लिया? सही कहा मॉम। अच्छा तो तुम्हारा नाम मिनामी है। देखो तुम इसके अच्छे दोस्त बन के रहना, हम लोग इस शहर में नए हैं तो इसका यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है। हाँ। देखो मिनामी, अगले हफ्ते वाली पार्टी के लिए इसे यहाँ जरूर बुलाना, मिनामी का बर्थडे है, तुम आना जरूर, ठीक है? ठीक है मॉम, जरूर बुला लूंगी। क्या मैं अपने कुछ दोस्तों को भी लेकर आ सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे। बात यह है कि जिसका वो बड़ा सा डॉग है जिसके साथ लड़ाई हुई थी तुम्हारे डॉग की, वो मेरा अच्छा दोस्त है। क्या कहा, तुम उसे भी यहाँ लेकर आओगे? नहीं ला सकता। देखो वो लड़का मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, और देखो ना उसके डॉगी ने भी बेंची को बहुत ही ज्यादा परेशान किया था। उसे लाना चाहते हो? हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा नादान है। क्या कहा तुमने? क्या उसने तुम्हें अपनी बर्थडे पार्टी पर बुलाया? उसने तुम सबको भी बुलाया है, लेकिन उसने जियान को लाने से मना किया है। क्या करें? तो ये बात है। अब क्या होगा, अगर जियान को बताए बिना चले गए तो फिर? फिर जियान हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। सही कहा। क्या जियान बर्थडे पार्टी के लिए बुलाया है? क्या कह रहे हो, उसने तुम्हें बुलाया है? डोरेमोन। अरे उसका और मेरा बर्थडे तो एक ही दिन आता है, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है, क्यों है ना?
चलो ठीक है, इस बार मैं अपने बर्थडे को सबसे अच्छा बना कर रहूँगा। तुम सब लोग मेरा साथ दोगे है ना? ठीक है। अब हम क्या करें डोरेमोन, कुछ करो ना। अब हम क्या कर सकते हैं नोबिता? नोबिता, मुझे उस लड़की से दोस्ती करनी है, कुछ करो ना प्लीज, जल्दी कुछ करो ना। तुम कितने स्वीट हो नोबिता, प्लीज मेरी बर्थडे पार्टी में जरूर आना। क्या? लेकिन प्लीज उस अजीब से बच्चे को मत लाना। क्या कहा तुमने? उसने तुम्हें अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया है। ठीक है, मैं इंतजार करूँगा। मजे की बात है कि हमारा बर्थडे एक ही दिन आता है, क्यों कमाल की बात है ना ये? और पता है जियान ऐसे ही अपने मन में ख्याली बुलाव बनाता जा रहा है। अच्छा, तो इसी वजह से जियान खुश नजर आ रहा है। ला 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 ला। हाँ, तो क्या तुम बर्थडे पार्टी में जा रहे हो? मैं सोच रहा हूँ नहीं जाऊँगा, जियान को लेकर नहीं जा सकता, और अगर उसके बिना हम चले गए तो फिर? तो पता नहीं वो तुम्हारा क्या करेगा। सही कहा। तो मैं सोच रहा हूँ जियान को बोल दूँ कि बर्थडे पार्टी कैंसिल हो गई है। हाँ, इससे जियान को बुरा नहीं लगेगा और हम बच भी जाएंगे। शायद यही ठीक रहेगा। वो मेरी दोस्त बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। हाँ, चलो एक और बार करता हूँ। हाय, कैसी हो? हाय, ये शायद वो सब लोग हैं ना जिन्हें तुम मेरी बर्थडे पार्टी में लाना चाहते हो। बात ये है कि सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। मेरे डैड अपने ऑफिस के काम से अफ्रीका गए हुए हैं। मैं और मेरी मॉम बहुत अकेला महसूस कर रहे थे, तो तुम्हारे सारे दोस्तों का स्वागत है मेरी बर्थडे पार्टी में। बहुत अच्छे। दरअसल मिनामी। हाँ। खाना मैं सोच रहा था, तुम क्या खाना पसंद करोगी मिनामी? देखते हैं, शायद एक स्ट्यू जो मेरे डैड बनाते हैं, जो सच बताओ बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। हाँ? ये तो मेरे लिए पाए हाथ का खेल है। ये बहुत बढ़िया रहेगा, क्यों है ना? बोलो। तो ठीक है, बाद में मिलते हैं, बाय। ठीक है, बाय बाय। नोबिता, ये बताओ ये तुमने किया क्या है? तुम्हें उसे सच सच बता देना चाहिए था। क्या करता, तुमने तो हमारी बातें सुनी थी, उसे बुरा लग जाता, क्यों है ना? तुम्हारा मतलब है तुम उसे कौन सा सच बताना चाहते थे? मैंने सोच लिया है मैं उसे क्या दूंगा। मैं मिनामी के लिए अपने हाथों से खाना बना कर लेकर आऊंगा, ठीक है ना? चलो, अब बातें बहुत हो गई, काम पर लगता हूँ, शाम में मिलेंगे, ठीक है ना? खाना बनाना भी तो सीखना है। अच्छा, लेकिन तुम सब आना जरूर, कहीं मुझे बुरा ना लग जाए। अरे नहीं जियान और कुकिंग, अब तो हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा दोस्तों। शायद यही ठीक रहेगा। अगर हम नहीं खाएंगे तो जियान का सारा प्लान बेकार हो जाएगा, और हमें वहाँ खाली पेट पहुँचना होगा। हाँ, इंतजार करने के लिए शुक्रिया। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल फ्राइड नूडल्स बनाए हैं। मुझे नहीं चाहिए। क्यों? नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं खाना मॉम। अरे पर मैंने इतनी मेहनत से ये नूडल्स बनाए हैं, अगर मैंने खा लिया तो प्लान बेकार हो जाएगा। क्या कहा तुमने? जैसे कि क्या? जो बच्चे ज्यादा नहीं खाते उनके लिए इसे किसी भी खाने पर छिड़को, और जो खाना टेस्टी नहीं है वो भी टेस्टी बन जाएगा। सच में? जो खाना टेस्टी नहीं होता वो भी? हाँ, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, बोलो नोबिता। शांत हो जाइए मॉम, इसे एक बार ट्राई तो करके देखो नोबिता। ठीक है, क्या ऐसे करना है? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। नहीं, मैं नहीं खा सकता, अगर अभी खा लिया तो बाद में परेशानी होगी। अरे वाह, कितना टेस्टी लग रहा है, मैं तो रुक ही नहीं पा रही हूँ।
अब और कुछ नहीं खा सकता, पेट भर गया। फिक्र मत करो, जब तक तुम्हारे पास ये है तुम कुछ भी खा सकते हो। ये कैसी बदबू आ रही है? ये बदबू कहाँ से आ रही है? बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरा बनाया हुआ स्वादिष्ट खाना तैयार है, अंदर आ जाओ। अभी आते हैं जियान, और कोई चारा भी नहीं है। तो पेश है खाना, कैसा लग रहा है? क्या चीज़ है? तो मैंने अच्छी तरह से जान लिया है कि मिनामी को क्या पसंद है, उसी हिसाब से मैंने एक शानदार रेसिपी तैयार की है ताकि वो खा के खुश हो जाए। मैंने उसकी सारी पसंदीदा चीजें डाली हैं, जैसे गाजर का अचार और 10 साल पुराने मसाले। इसमें जैम भी है और थोड़ा करेले का जूस भी। चलो खाकर देखो। समझ गया, तुम लोग इतना शानदार खाना देखकर चौंक गए हो। अरे घबराओ मत, चलो खाओ। खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा था, अच्छा या बहुत अच्छा? ऐसा लगता तो नहीं है कि तुम्हें पसंद आया। देखो मुझे झूठ पसंद नहीं, जानते हो ना। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी है। कमाल ने दिया जियान, इतना बढ़िया खाना कभी नहीं खाया। अरे वाह दोस्तों, तुम्हारी वजह से ही अब मैं बिना किसी घबराहट के मिनामी को उसका बर्थडे गिफ्ट दे सकता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दिखने में लाजवाब है। तुमने इसमें क्या डाला है? मुझे देखने दो। बस गरम मसाला है। इधर तो कुछ गड़बड़ है। इतना टेस्टी है, मैं खाऊंगा। अरे तुम्हें क्या हो गया है दोस्तों? अब रहा नहीं जाता। तुम ये क्या कर रहे हो? बड़ा टेस्टी है। लेकिन जियान दिल से काम कर रहा है। काश मैं जियान को मिनामी की बर्थडे पार्टी में ले जाता। अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ करता हूँ। दोस्ती दोस्ती अम्ब्रेला। ये देखो नोबिता, अगर मैं इस गैजेट के नीचे खड़ा हो जाऊँ तो मेरे साथ जो भी खड़ा होगा मेरी उससे फौरन दोस्ती हो जाएगी। हम इस छतरी के साथ बहुत अजीब लग रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा मत बोलो जियान, मिनामी बहुत सालों से शहर के बाहर रही है। चिंता मत करो, तुम अच्छे लग रहे हो, वो तुम्हारी दोस्त बन जाएगी। बस तुम आराम से अम्ब्रेला के नीचे उसके साथ खड़े हो जाना, काम हो जाएगा। क्या कहा तुमने? तुम ये आइडिया मुझे पहले नहीं दे सकते थे डोरेमोन। नोबिता एक गड़बड़ हो गई है। अरे क्या बात है? बेंची देवी खो गया है। क्या? मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन अब मैं क्या करूँगी? आपको संभालो। मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा, बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उसे लेकर आता हूँ। अगर तुम चाहो तो ये लो, मेरे पास ये है। तुम्हारा शुक्रिया। हम सब भी उसे ढूंढने में उसकी मदद करें। ठीक है। बेंजी कहाँ हो? बेंजी तुम कहाँ हो? बेंजी
करो मत, वहीं रुको, ठीक है? बेंजी, तुम ठीक हो ना? इधर आओ, जल्दी। बेंजी, आ जाओ, मेरे पास आओ। बेंजी, मेरी बात सुनो, इधर आओ, जल्दी। बेंजी, अरे, तो जियान है। जियान, बेंजी जल्दी ऊपर आओ। अरे वाह बेंजी। बस बस ठीक है। तुम्हारा शुक्रिया जियान। नहीं, मुझे खुशी है कि ये ठीक है। ठीक है ठीक है, बस बहुत हुआ, रुक जाओ। मुझे माफ करना, देखो मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, मैं सच में शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो जियान। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। शुक्रिया जियान, तुम बहुत अच्छे हो। तो इसका मतलब है जियान तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आ सकता है, क्यों है ना? वो बात ये है कि अचानक ही हमारा प्लान कुछ ऐसा बना कि मेरी मॉम और मैं बर्थडे पर मेरे डैड के पास अफ्रीका जा रहे हैं। अब मुश्किल ये है कि तुम लोग मेरे बर्थडे पर नहीं आ पाओगे। ये तो खुशी की बात है, अब तुम अपना बर्थडे अपने डैड के साथ मना सकती हो, जिन्हें तुम मिस कर रही थी। ये अच्छा ही हुआ। ओ जियान। जियान, जियान। गुड मॉर्निंग जियान। हमें कुछ कहना है। हैप्पी बर्थडे जियान। अरे थैंक यू, बस अब बस भी करो। अच्छा सुनो, क्या तुमने मिनामी को विश किया जियान? मैंने दरअसल उसके लिए गिफ्ट भी भेजा है, उसे मिल गया होगा। सच में जियान? अच्छा तुमने उसे क्या गिफ्ट दिया है? और क्या भेजा होगा, एक चीज जो खास मैंने उसी के लिए ही बनाई थी। नहीं ऐसा मत कहना कि तुमने खाना बनाया है। चाहे हमें एक दूसरे के साथ बहुत कम वक्त गुजारने को मिला, लेकिन मुझे खुशी है कि हम अच्छे दोस्त बन सके। ये क्या हो सकता है? मिनामी, मैं गिफ्ट के तौर पर तुम्हारे लिए एक गाना गाना चाहूँगा। मेरी आवाज सुनकर लोग हो जाते हैं मदहोश। मैं हूँ जियान, बस भी करो। कैसा रहा? मैं अब यही गाना अपने बर्थडे पर भी गाऊंगा।